ये कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ही मेरे दिल को बहुत करीब है, क्योंकि मैं जो हूँ कैलकटा से बहुत लाइक मेरे को लगाव है। हालांकि मैं कैलकटा को बिलोंग, आई एम नॉट बंगाली, पर मेरे को कैलकटा का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने अपना करियर शुरू किया था, लोग ये सोचते थे कि भाई ये फैशन शो है, कपड़े दिखाए देंगे, पर अगर फैशन शो के साथ अगर आप एक थीम जोड़ देते हैं तो उसमें चार चांद लग जाते हैं, जैसे कि दाल में तड़का लग जाता है। सो ऑब्वियसली ये जो कलेक्शन है ये मैंने उन औरतों को डेडिकेट किया है जो सेक्स वर्कर्स हैं। लाइक माई होल थीम इज ट्रम्पेट्स एंड अनडाइंग स्पिरिट, मेरी पूरी थीम है इस कलेक्शन की, जहाँ पे मैंने एक वुमेन की चीज़ों को दर्शाया है, उनके इमोशंस को दर्शाया है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइज ज्वेलरी का, जिन्होंने इस शो में मेरे को इतनी खूबसूरत ये जेखने ज्वेलरीज उन्होंने मेरे को दी हैं। आप देखिए होल एलिमेंट है, इन्होंने ये ज्वेलरी स्पेशली सोना कांची कलेक्शन से प्रभावित होकर इसको डिज़ाइन करवाया है मेरे कलेक्शन से जो मैच करे। इसमें आप पीकॉक के एलिमेंट्स देख रहे हैं, इसमें आप पूरा काम देख रहे हैं, इसमें कट डायमंड्स है। तो आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब विच इज हैंड इन हैंड, बिकॉज ज्वेलरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन बहुत ज़्यादा वेस्टर्न है, बहुत वेयरेबल कपड़े हैं। लोग सोचते हैं फैशन शो में जो कपड़े होते हैं वो क्या कहते हैं कि वो आप नॉर्मल जिंदगी में नहीं पहन सकते, पर ये बहुत वेयरेबल कलेक्शन है। और आई एम वेरी थैंकफुल ब्यूटिफुल सेट डिज़ाइनर्स जिन्होंने किया है, प्रिया जी हैं एंड रूबी हैं जिन्होंने मेरे को, और जिगर है जिसने लाइट एंड साउंड किया, शाकिर इज कोरियोग्राफिंग एंड हैदर खान शूट कर रहे हैं, और मेरा फेवरेट फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट का मेरा ड्रीम था कि मैं उनके साथ काम करूं। और जब मैंने उनको फ़ोन किया, बिकॉज वो बहुत हाईफाई हैं, बड़े लाडीजा हैं, तो उनको लाना ही बहुत बड़ी मेरे बात थी और चुनौती थी। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया कि प्लीज़ आप ये कलेक्शन मेरे साथ करिए, उन्होंने इमीजिएटली हाँ करी। तो मैं ओजस अजानी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। ओजस मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ओजस हमारे जो LGBT कम्युनिटी में यू नो लाइक लोग कहते हैं कि दो क्वींस जो होती हैं वो दोस्त नहीं हो सकती हैं, वो तो होता है ऐसे। तो ऐसे आई थिंक वी आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मनधड़क कहानियां होती है। आई थिंक लाइक दे ऑब्वियसली टू डिजाइनर्स और टू एक्टर्स कांट बी फ्रेंड्स, आई थिंक दैट्स स्टुपिडिटी। आई थिंक हर एक पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, एंड इफ यू गेट along with somebody like her who is also into Hare Krishna, I think it just talks about everything. Beautiful embroidery bhi hai isme and different colors, beautiful ji thoda sa प्राइड ज्वेलरी, ये प्राइड ज्वेलरी है। आई थिंक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये मीनाकारी का इनका पूरा ये सेट है, जो इन स्पेशली मेरे इस कलेक्शन पे आप देख रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल कलर का थीम जा रहा है। अगर आप ये कपड़े को देखते हैं और इसमें आप ये सेट लगाएं तो आप ये कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो स्पेशली इन्होंने स्पेशली प्राइड ज्वेलरी ने ये कलर बनाया है हमारे लिए, ये ज्वेलरी का इन्होंने निर्माण किया है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने इस एक फ़ोन कॉल पे उन्होंने हाँ कर दी। एंड ऑब्वियसली हर सक्सेसफुल फैशन शो के पीछे एक टीम का हाथ होता है। तो मैं क्या कहते हैं कि रूबी एंड प्रिया को बहुत थैंक यू कहता हूँ। ओके, इन्होंने क्या कहते हैं कि बहुत ब्यूटीफुली सेट का डिज़ाइन किया, जो हम लोग रिवील करेंगे 10 अक्टूबर को, आप सबको मिल जाएगा उसका पूरा। एक जो हर दोस्त के एक सक्सेसफुल डिजाइनर के पीछे एक एक्ट्रेस का हाथ होता है, दोस्तों का हाथ होता है। कश्मीरा शाह इज देयर, एंड कश्मीरा ने मेरे लिए एक मिनट में हाँ कर दी इस शो का फेस बनने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ नैरी सिंह का, जिन्होंने काला कंडी के में उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है, उन्होंने हाँ करी। LGBT कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं डोनल्ड बेस्ट है, डोनल्ड इज कमिंग हमारे एक बोलने पे आ गए। आप आए थे ना, हम लोग ने अभी पतली कमर वीडियो किया था। जी जी, सो आई थिंक दैट वाज बिग हिट, सो बिकॉज ऑफ दैट शी स्पेशली हमारा रैपो हो गया, तो हमारे एक बोलने पे वो ऐसे आ रही हमारे लिए। सो और दिल्ली की बहुत टैलेंटेड पलक सेठ हैं, जो स्पेशली बॉम्बे आई हैं, एंड उनको क्या नाम है उनका, पलक भैल, सॉरी बिकॉज मैं आई एम वेरी बैड विद नेम्स, पलक भैल हैं जिन्होंने इस शो को पूरा स्टाइल किया है, दिल्ली से स्पेशली आई हैं, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। एंड ओजस is a family to me, or just we are friends for life. आपको लुक अच्छा लगा कि नहीं? आपकी मेहनत है, like she said, it's a package deal of everybody. आपकी मेहनत, कैमरामैन, फोटोग्राफर, लाइटिंग, हेयर, मेकअप, कोकोबेरी की मॉडल्स अलिशिया राउत को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, बब्बू मॉडल्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने इस शूट को सो सक्सेसफुल किया है। शाकिर ने एक बार में कोरियोग्राफी कर दी। और यू नो ये इसका मैं सबके सामने अनाउंस करूँगा कि जितना भी मैं इस कलेक्शन का बिकेगा ये कलेक्शन मार्केट में, उसका 25% मैं ये सेक्स वर्कर्स को उनकी एजुकेशन में देना चाहूँगा।
करूँगा इस कलेक्शन के माध्यम से. एंड मैं आशा करता हूँ कि हम एक हाई टाइम है कि हम एक उनको रिस्पेक्ट दें, उनको हम गंदी नज़रों से ना देखें. तो ये कलेक्शन मैं पूरा सोना काची का उनके ऊपर आधारित करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. सबसे बड़ी बात आपने कही और आपने जो है कि हमने देखा जी कि सेक्स वर्कर्स को आपने यहाँ पर डिफरेंट आउटफिट एंड एलजीबीटी को आपने यूज किया. और हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जैसा कि आपने ये बताया अभी भी लोग जो है गंदी नजरों से देखते हैं, भेंट करते हैं. लेकिन अगर हम पहले की अगर हम बात करें तो जो राजा महाराजा के जो रसोईया होती थी वो ये सभी देखते थे, सलाहकार होते थे ये देखते थे. लेकिन ये वो क्या रीजन है रोहित जी, एज एन ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट टाइम में हम जितना मैं समझ गया आपका जी, 21वीं शताब्दी में आ गए और हम रिस्पेक्ट देखिए, आई विल टेल यू इट्स अ लैक ऑफ एजुकेशन इन अ कंट्री. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल इन एलजीबीटी कम्युनिटी. जो मीडिया है, जो आप पहले आप देखते थे 20 25 30 साल पहले, मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था. अब बहुत आज एक बंदा भी अपनी आवाज़ एक मीडिया के माध्यम से उठा सकता है. तो अगर आज हम सब एक हो जाएं, अगर मीडिया वाले इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से लोगों के सामने प्रस्तुत करें तो एलजीबीटी कम्युनिटी को भी वो रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलेगी. ऑल द टैलेंट इज इन द एलजीबीटी कम्युनिटी. अगर फिल्म डायरेक्टर्स देखते हैं, फैशन डिजाइनर्स देखते हैं बॉलीवुड के, हालांकि वो लोग सामने नहीं आते हैं, but they're all part of the fraternity, right? Exactly. And thanks to people like Rohit, jo bold hai, so at least he's, you know, kind of encouraging it with a lot of dignity. So I think high time ki sabhi log and sabhi darshak, I think in log sabko, you know, importance unka de aur unko respect de, because hum log I think aur kuch nahi mangte, sirf respect aur sabka pyar, right? Aur talent I think jitna ubhar ke, you know, LGBT community, wo bahar walon mein nahi. Am I right or wrong? So I think that's very important. Look at the living example is Rohit. Thank and you. Me, I think. I know? Always support LGBT community. I always, my friends, you know, my friends and my all the Coco Berry models, Babu models, in log sab log ko ek phone call pe mile khade ho jate hain. इंडस्ट्री में मैंने सिर्फ एक रिश्ते ही कमाए हैं लोगों से और उसका आज आप परिणाम देख रहे हैं कि सोना खाची इतना अच्छा हो रहा है. सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सी, यू नो, ओके, थैंक यू. या जी कल से बिग बॉस शुरू होने जा रहा है, तो व्हाट इज योर फर्स्ट टेक, अलग कुछ है ये टाइम का? अभी तक तो देखिए मैंने ज़्यादा चैनल को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि आजकल आप जिस तरह से हमारे कंट्री इतना कंट्रोवर्सी से गुजर रहा है, हमारी जो इंडस्ट्री है, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा. पर देखिए हर बार बिग बॉस होता है एक नया तरीके का एपिसोड्स लेके आते हैं. तो डेफिनेटली सलमान भाई पहले कहते वो नहीं करेंगे, अब इस बार सलमान भाई फिर कर रहे हैं शो को. कपिल और मेरे दोस्त जा रहे हैं इसके लिए, तो आई थिंक सो मनोरंजन ही होगा. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आपने कहा दोस्त जा रहे, कितने एक्साइटमेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज वन ऑफ माई टू ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स आर गोइंग इनसाइड दी. हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट. यस यस जी. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि देखो बिग बॉस का जो लोग, बहुत से लोग सोचते हैं शो स्क्रिप्टेड है. अभी देखिए जो मेरे टाइम पे बिग बॉस था, इट वॉज अ कम्प्लीटली वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेरियो, बिकॉज व्हेन यू आर इन द हाउस यू आर इन द हाउस, आपका कोई नाता बाहर से नहीं होता है. पर अभी जिस तरह से अभी देखिए एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, कपड़े आते हैं बाहर से, स्टाइलिस्ट आ गए हमारे. हमने तो एक सूटकेस पढ़ के हम लोग अंदर चले गए थे, हमको उसी में अपने आप को स्टाइल करना पड़ता था. पर अब कपड़े आते हैं तो अब होल शो इज़ लुकिंग वेरी गुड. हाँ, मेकअप भी आते हैं. ओजस को इस बार ऑफर हुआ था बिग बॉस, इन्होंने मना कर दिया था. बाय द वे हर साल कॉल करते रहते हैं. मैंने वो आई पिक्चर किया, वो बहुत हो गया मेरे लिए. आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थिंग ऑन द आइसिंग ऑन द केक. और मुझे इसके लिए टच विद पेमेंट भी बहुत अच्छा मिला, बिकॉज यू नो साउथ की डायरेक्टर शंकर इज अ वेरी जेनरस मैन. सो आई थिंक दैट वाज गुड. बट आई थिंक मेरी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी अगर हम बिग बॉस में जाएंगे तो. प्लस हमारा काम है, हम लोग सब फ्री लांसर्स है, तो हम लोग सीजन टाइम में काम छोड़ के ये सब करने जाएंगे तो हमारा काम से बेईमानी हो जाएगी ना. Although it is a very nice thing, I'm sure it's a full-on entertainment. किसमें किसी को भी नीचा तो नहीं दिखाया जाता, but I think to reach their own. The last time काफी hit रहा show, मतलब TRP भी काफी hit रही, तो आपको लगता है इस समय बहुत काफी मतलब चुनौती रहेगी? लास्ट टाइम तो बिग बॉस लगता है पूरा 6 महीने बिग बॉस ही खुला है. उनके बेचारों की किस्मत देखो, जैसे ही वो बाहर निकले पैसे कमाने का टाइम था, लॉकडाउन हो गया. सब धरे के धरे लगे, सब बड़े चल रहे थे, अब तो हमने पैसे दो तो घर बन जाएंगे सबके. क्योंकि ये जो होता है ना, बस ये 6 महीने का ड्रामा होता है. क्योंकि वो पॉपुलैरिटी मैंने भी देखी है, यू नो, लाइक दिल्ली में जब मैं गया था, उतरा था बिग बॉस के बाद, 550 लोगों की भीड़ लग गई थी, पुलिस बुलाना पड़ा था जब मैं एयरपोर्ट में था. तो वो एक फेम उस टाइप का रहता है, एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका कमाने का असर रहता है. तो आई रियली पिटी देम
एंड ऑफकोर्स देखे ना, ऐसा चाइना ने कोरोना छोड़ा हमारे ऊपर. So I think so, yes, of course. So, but I'm sure they all are going to do very well, and next season will be also a super duper hit like previous season. Sir, आप हमेशा से लगातार अपने views रखते हैं industry के point of view. इन दिनों काफी खराब चल रहे, controversy चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप इस industry से जुड़े हुए कई सालों से. देखिए क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड जो होता है ग्लैमर इंडस्ट्री ही होती है. यू नो वी आर बीन टारगेटेड बिकॉज यू नो जैसे कि एक कॉमन इंसान अगर कोई अपनी विचार धारणा रखता है लोगों के सामने तो वो स्टेटमेंट नहीं बनती है, पर कोई अगर बॉलीवुड स्टार रखे तो वो यूथ आइकॉन बन जाता है. तो ऑब्वियसली आई थिंक हम लोग को उधर नहीं जाके, देखिए कोई भी आज दूध का धुला नहीं है, एवरीबॉडी ने कुछ ना कुछ किया है. मैं मीडिया से ये अनुरोध करूंगा कि आई थिंक इनको थोड़ा सा नम्रता से और विनम्रता से पेश आए हमारे स्टार्स के साथ, एंड और इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें. अभी देखिए चाइना बॉर्डर में इतना कुछ हो रहा है, हमारी कंट्री इज सोइंग, वी आर नॉट कंसिडरिंग ऑन दैट. पर हाँ, दीपिका ने क्या किया या कंगना ने ये स्टेटमेंट दिए, वी आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू दैट. यू नो obviously I think so we should stand by the truth, all right, and let everybody give a breathing space because everybody got their personal life. आपको शॉक हुआ जिस जब दीपिका का आया नाम इस लेवल में? देखिए आई थिंक सो क्या होता है ना, कुछ चैनल ऐसे होते हैं मतलब ऐसे सुर्खियाँ और ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं कि भैया मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि मैंने तो चैनल ही देखना बंद कर दिया. इट्स जस्ट लाइक जस्ट टू पूरा, मेरे को लगता है पूरा गुंडागर्दी वाला चैनल है. यू नो पूरा माइक ले लेके घुस जाते हैं मुँह के अंदर, ऐसे सुर्खियाँ, ब्रेकिंग न्यूज़, भाग रहे हैं, पागलपंथी हो रहा है. What is our Indian media doing? I don't understand. Uska statement maine apne PR ko diya hai ki where we are heading. You know, I think we need to give everybody breathing space. It's not right to get into anybody's personal journey. Kya aapne kabhi galat kaam nahi kiya? आप जो ऐसे देख रहे हैं मेरे को, आपने कभी गलत काम नहीं किया. आज हमारे सामने इतने मीडिया चैनल्स पर खड़े, क्या उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया? हम सब ने गलत काम किया. अभी जैसे कि दीपिका बड़ी स्टार है तो अगर आई थिंक टारगेटेड हो गई है, वो टारगेटेड हो गई है. आई थिंक शी हैज बीन टारगेटेड एंड आई थिंक सो शी इज अ लवली गर्ल. आपको लगता है गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है इसलिए? आई डोंट थिंक सो कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से कुछ किसी को फ़र्क पड़ता है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन ओपिनियन. वी स्टे इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया एंड एवरीबडी हैज़ गॉट ओन ओपिनियन टू पॉइंट एंड रेज देयर पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई थिंक सो आई विल नॉट गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू इट एंड लेट्स कंसिडर सोनाकाची राइट नाउ. थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू मी. यस थैंक यू. वो थोड़ा म्यूट कर देना, मैंने देखा है बात कर, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ ना ये आ जाएगा. हाँ वो किशन ही डालता है सर. मैं पकड़ू ठीक है? बस ब्यूटीफुल सोनाकाची के आउटफिट. थैंक यू थैंक यू. हम थोड़ा सा तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है, थोड़ा सा आप इसके बारे में अगर बताएं.
वेल सोनागाछी ऑब्वियसली कलेक्शन रोहित वर्मा ने किया है और रोहित वर्मा हमेशा बोल्ड ब्यूटीफुल वाइवेशियस और ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जो यू नो जो कोई और सोचता नहीं. तो दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय द सेक्स वर्कर्स सोनागाछी और ये कलेक्शन इसीलिए अलग है और खूबसूरत है और यूनिक भी है. एंड जैसे सेक्स वर्कर्स ऑल्सो डू अ पब्लिक सर्विस टू टू द कंट्री. जो रोहित वर्मा है अगर आप नोटिस करो कि उनके कलर पैलेट्स और उनके कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं. एंड दिस कलेक्शन इज़ इन एसोसिएशन विद प्राइड ज्वेलर्स एंड प्राइड ज्वेलरी. सो वेल फैबुलस. Take a look. You're wearing one jewelry right there. Yes. So this is, yeah, thank you. This is from Pride Jewelry. It's beautiful diamond and I think kundan and all mixture. And I think it's looking very pretty. Pride, she said Pride. I said Pride. In association with Pride Jewelry, right? मैम हाउ वाज एक्सपीरियंस मतलब जब आपने इतना काफी सुंदर ड्रेस भी है काफी आप भी बहुत अच्छी लग रही है. कृष्ण सर को भेजा कि नहीं आपने फोटो? नहीं नहीं उसको खरीदना पड़ेगा. वो जब खरीदेगा तभी उस मुझको इसमें देखेगा. एंड आई थिंक वो रोहित वर्मा का वैसे ही कृष्णा बहुत बड़ा फैन है और अब प्राइड ज्वेलर्स का भी फैन बनेगा. तो बिल तो बनाऊंगी मैं. बनता है तो विद द सोनागाछी कलेक्शन आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू बाय मोर फ्रॉम रोहित. रोहित दोस्त है बट इससे बेटर ही इज सच अ फैबुलस एंड इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्टिंग डिजाइनर. मैम आफ्टर लॉकडाउन के बाद आप शायद फर्स्ट शूट कर रहे हैं. जी हाँ. तो कैसा रहा मतलब आफ्टर लॉकडाउन और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई नई एक्टिविटीज जो? नहीं पहले मैं ये सवाल का जवाब देती हूँ कि सिर्फ रोहित वर्मा ही कश्मीरा को घर से निकाल के बाहर ला सकते हैं और क्योंकि वो स्पेशल है हमारे लिए तो इसी वजह से हम उनका शूट कर रहे हैं. वरना बहुत सारे यू नो ऐसे शूट्स आए थे जो हमने किए नहीं बट रोहित हैज़ टेकन केयर दैट एवरीथिंग इज़. बहुत कम लोग हैं यहाँ पे ये इसकी यू नो उन्होंने केयर लिया हुआ है प्रिकॉशंस लिए हैं एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन. जी आपका क्या सवाल था? मैंने एक्चुअली खाना बनाना सीखा और खाना नहीं खाना सीखा. तो इस दौरान हमने काफ़ी वर्कआउट घर पे किया बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताया और इस वजह से इतना रनिंग हुई उनके पीछे कि मैं पतली हो गई. ओके मैम शो भी काफ़ी है जैसे ही स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के बाद हिट हो चुका है मतलब टॉप फाइव में फिर से आ चुका है. कौन सा? सर का कपिल शर्मा. हाँ, हाँ. तो कुछ कहना चाहेंगे आफ्टर लॉन्ग बैक? मतलब कुछ इतने ये साल इतना गंभीर और इतना बुरा रहा है सबके लिए कि हंसना ज़रूरी था और इट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. एंड अगर आपकी लाइफ में हंसी नहीं तो आपने जीना सीखा ही नहीं. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि कृष्णा और कपिल का शो द कपिल शर्मा शो टॉप पे है और भगवान से ही दुआ है कि टॉप पे ही रहे. एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. सर ने आपको हेल्प किया कि नहीं लॉकडाउन के समय में? किस चीज़ में? घर पे मतलब? अरे घर पे काम सर ही करते हैं मैं कहाँ करती हूँ. तो सब झाड़ू पोछा वही मारते तो मैंने किया कि नहीं ये सवाल होना चाहिए. ओके अब बिग बॉस शुरू होने जा रहा है आप तो फेवरेट आपका शो है. हाँ. तो कितने एक्साइटमेंट है आप? बहुत एक्साइटेड. आप मुझे छोड़ोगे तो मैं जाके वो रिकॉर्डिंग पे रखूंगी. वेरी वेरी एक्साइटेड एंड यू नो एज यूजुअल आई एम श्योर इट विल बी वेरी गुड क्योंकि वो हमेशा अच्छे कॉन्टेस्टेंट्स लेते हैं और हमेशा इट्स ऑलवेज किक एस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.